हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एरे कि जब हम सी प्रोग्रामिंग में एरे को यूज़ करते हैं तो उसमें कई चीज़ें आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए, पहला चीज़ तो क्या है, पहला पॉइंट जो है वो आपका यह है कि जब भी आप किसी एरे को पास करते हैं, ठीक है, द स्कैनर फंक्शन रिक्वायर्स दैट द एड्रेस ऑफ द डेटा आइटम्स बीइंग एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी बी स्पेसिफाइड। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपने देखा होगा सी फंक्शन में जब आप स्कैनफ यूज करते हैं तो स्कैनफ में क्या होता है, आप स्कैनफ देते हैं, मान लीजिए आपने इस तरह दिया परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड और यहाँ पे आप वेरिएबल के साथ एम परसेंट लगाते हैं, मतलब एम परसेंट मतलब ये आप जो है उसकी मेमोरी को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्यूटर्स मेमोरी, उसको आप स्पेसिफाई करते हैं किसी भी वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं तो इसकी वेरिएबल, ठीक है। लेकिन जब आप एरे को यूज करते हैं, ठीक है, कि एम्परसेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड विद एरे नेम्स सिंस एरे नेम्स देमसेल्व्स रिप्रेजेंट एड्रेस। तो मेन चीज जो है वो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि एम्परसेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड विद एरे नेम्स। क्यों? क्योंकि सिंस एरे नेम्स देमसेल्व्स रिप्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखने का कि एम्परसेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप किसी एरे नेम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोग्राम बनाए इसके लिए तो से एग्जाम आपको प्रोग्राम इस तरह बनेगा, जैसे आपने क्या इंक्लूड stdio.h, ठीक है, फिर आपने यहाँ मेन लगाया, मेन के अंदर मान लीजिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक तो आपने लिखा करेक्टर आइटम और 20, ये आपने एरे डिफाइन कर दी 20 एलिमेंट की करेक्टर टाइप। फिर दूसरा वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया इंटीजर पार्ट नंबर, ठीक है। तीसरा मान लीजिए आपने कुछ भी डिक्लेयर किया फ्लोट कॉस्ट, ठीक है, और फिर जो भी अपना स्टेटमेंट है वो आपने लिख दिए। जब आप इनकी वैल्यूज एंटर कराएंगे तो जब आप स्कैनएफ लिखेंगे कि स्कैनएफ, ठीक है, तो स्कैनएफ में आप लिखेंगे एरे के लिए, आप स्ट्रिंग के लिए लिखेंगे परसेंटेज एस कॉमा परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज सॉरी कॉमा कह रहे हैं परसेंटेज एफ कोट्स कॉमा। अब यहाँ एरे जब आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको आइटम लिखना होगा, आप एम्परसेंट आइटम ये नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एरे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेरिएबल्स के लिए आप एम्परसेंट लगाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे पार्ट नंबर और यहाँ आप लिखेंगे से कॉस्ट, ठीक, और ये आपका स्कैनअप बंद हो गया और ये आपका और जो स्टेटमेंट देने आपने दे दिए और ये आपका मेन प्रोग्राम बंद हो गया। तो मेन जो चीज आपको पॉइंट आउट करनी है वो ये पॉइंट आउट करनी है कि एम्परसेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड विद एरे नेम, यहाँ पे आपको एम्परसेंट साइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपको केवल आइटम लिखना होगा, वेरिएबल्स के साथ आपको एम्परसेंट देना होगा लेकिन एरे नेम के साथ आपको एम्परसेंट देने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये बताना था आपको एरे के रिगार्डिंग। अब आ जाइए सेकंड, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज पॉसिबल टू पास ए पोर्शन ऑफ एन एरे रादर देन एन एंटायर एरे टू ए फंक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इट इज पॉसिबल टू पास
ए पोर्शन ऑफ एन एरे, ए पोर्शन ऑफ एन एरे, एरे का कुछ पोर्शन आप पास कर सकते हैं, ठीक है, रादर देन एंटायर एरे टू ए फंक्शन। एरे का जरूरी है कि आपको पूरी एरे पास करनी है, आप उसका कुछ पोर्शन भी पास कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? टू डू सो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट टू बी पास्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड एज एन आर्गुमेंट द रिमाइंडर ऑफ द एरे स्टार्टिंग विद द स्पेसिफाइंग एरे एलिमेंट, स्पेसिफाइड एरे एलिमेंट विल देन बी पास टू द फंक्शन। ठीक, यानी इस काम को अगर आपको करना होगा तो आप किस तरह करेंगे? आपने मान लीजिए, से हम इसको आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सपोज कीजिए आपने कहा कि इंक्लूड, और यहाँ आपने लिख दिया stdio.h, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे कोई फंक्शन लिया void, फंक्शन का नाम है प्रोसेस, ठीक है, और इसका आर्गुमेंट जो है आपने लिखा फ्लोट z, ये फंक्शन प्रोटोटाइप आपने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ आपने लिखा मेन, ठीक है, यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया फ्लोट जेड 100, फिर जो भी और स्टेटमेंट लिखने हैं आप दे दीजिए। फिर उसके बाद आपने यहाँ लिखा एंटर वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स ऑफ जेड, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा एंटर वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स ऑफ जेड, ठीक है, फिर अपना और स्टेटमेंट्स दे दीजिए। फिर जब यहाँ आप देखिए प्रोसेस को आपने कॉल किया, प्रोसेस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो आपने लिखा प्रोसेस, यहाँ आपने लिखा एम्परसेंड जेड और 50, आपने इस तरह कॉल किया, और फिर बाकी स्टेटमेंट लिख के आपने ये क्लोज कर दिया मेन का फंक्शन। अब देखिए जब इस तरह आप किसी एरे को कॉल करेंगे एम्परसेंड जेड 50 करके, और यहाँ पे आपने क्या किया, फंक्शन वर्ड फंक्शन जो प्रोसेस फंक्शन है इसको भी आपको डिफाइन करना होगा। तो मान लीजिए चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रोसेस फंक्शन में आपने क्या किया, आपने यहाँ लिखा वर्ड प्रोसेस, वर्ड आपने लिखा प्रोसेस, और यहाँ पे आपने लिखा फ्लोट एफ, ठीक है, कोट्स क्लोज्ड, ये कोट्स ओपन हुआ, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं आपने लिख दिए। फिर आपने कहा प्रोसेस एलिमेंट्स ऑफ एफ, यहाँ आपने लिखा प्रोसेस एलिमेंट्स ऑफ एफ, ये कमेंट लाइन हो गई है ना। फिर जो भी प्रोसेसिंग करनी है आपने कर दिया, और ये आपने रिटर्न करा दिया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा कि विद इन मेन जेड इज डिक्लेयर टू बी 100 एलिमेंट फ्लोटिंग पॉइंट एरे। तो मेन के अंदर हमने क्या किया है कि देखिए यहाँ पे मेन के अंदर हमने जेड को क्या डिक्लेयर किया है, जेड को हमने डिक्लेयर किया है 100 एलिमेंट की फ्लोटिंग पॉइंट एरे है। ठीक, आफ्टर द एलिमेंट्स ऑफ जेड आर एंटर्ड इन टू द कंप्यूटर, जब जेड में हमने वैल्यू एंटर कर दी, द एड्रेस ऑफ जेड 50, तो ये जो मैंने लिखा ना एम्परसेंट जेड 50, तो एड्रेस ऑफ जेड 50 इज पास टू द फंक्शन प्रोसेस। तो इसका इस जेड 50 का जो एड्रेस, ये एम्परसेंट हमने इसीलिए लगाया है, मतलब जेड 50 मतलब 50th एलिमेंट का जो एड्रेस है वो हमने पास किया किसमें, फंक्शन प्रोसेस में, ठीक है। हेंस द, तो अब 50वें एलिमेंट का हमने एड्रेस पास किया है, तो वहां से, और जो लास्ट के 550 है, टोटल 100 है, तो 50वें का हमने जब पास किया तो 51 से लेकर और 100 तक द लास्ट 50 एलिमेंट्स ऑफ जेड विल बी अवेलेबल टू प्रोसेस। ठीक है, तो जब आप ये पास करोगे तो जेड 50 से लेकर और जेड 99 तक ये सारे एलिमेंट किस में चल जाएंगे, प्रोसेस फंक्शन में,
और वहां पे जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो इनकी होगी। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि आप पूरा एंटायर एरे ही एक बार में आप प्रोसेस करें, आप अगर उसका कुछ पोर्शन भी भेजना चाहते हैं तो इस तरह से आप किसी एरे का कुछ पोर्शन भी पास कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ होंगे अगर एरे में तो उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।